यहाँ चल रहा है अपने नानी घर। अब नानी घर में देखते हैं क्या तमाशा करता है ये। एकदम 56 प्रकार के जो आइटम थे थाली में, सभी थोड़ा थोड़ा खाते ही जो है बहुत ज्यादा हो गया और एकदम पेट भर गया। हमने कल मेहंदी लगा लिया था और उसका कलर देख सकते हैं, इस बार उतना डार्क नहीं आया जितना हर बार आता था। और आप लोग कहते भी थे कि आप भैया लगता है बहुत प्यार करते हैं। हाँ करते हैं, लेकिन इस बार लगता है थोड़ा कम हो गया। तभी बज रहे थे सुबह के 10 और कुछ देर पहले ही आए हुए थे सलून और यहाँ पर जो अपना हेयर कट करवा लिया, थोड़ा सा शेव करवा लिया और उसके बाद चलते हैं घर। और क्रियांश जो वहाँ पर तबाही मचा रहा है, तो जब तक वहाँ जाएंगे नहीं कोई एक आदमी पकड़ने वाला होगा नहीं, क्योंकि बाबा भी अब तैयारी कर रहे हैं कोर्ट जाने की और जिया खाना बना रही होगी, मम्मी भी कुछ कर रही होगी, तो क्रियांश वहाँ पर परेशान करके रखा होगा। तो चलते हैं उसको पकड़ते हैं, फिर बाकी सारा काम होगा और सारा सामान सब पैक होगा और आज ही हम लोग निकलने वाले हैं जिया के घर। तो घर आ गए जी, हमारा नहाना हो गया और बेटा का भी नहाना हो गया, पापा बेटा दोनों नहा लिए और क्रियांश बहुत खुश है। और क्रियांश तो बाथरूम से निकलना ही नहीं चाह रहा था, इसको जबरदस्ती बाथरूम से निकाले हैं और इसकी मम्मी भी उधर तैयार हो गई है, बस पूजा कर रही है और हम लोग जो है फिर तैयार होंगे और थोड़ा कुछ खाना खाएंगे और फिर इसके बाद जो है निकलेंगे यहाँ से, है ना क्रियांश? क्रियांश चल रहा है अपने नानी घर। अब नानी घर में देखते हैं क्या तमाशा करता है ये। वहाँ पर जो है बहुत लोग घुमाने वाले रहते हैं, तो वहाँ पर घूम करके जब भी आता है तो एकदम हीरो बन करके आता है, फिर यहाँ भी जिद करता है कि यहाँ भी इसको घूमना है। तो ऐसी ही कुछ हालत रहती है, कोई बात नहीं, नानी घर है, जाएगा क्यों नहीं। हम लोग भी जब नानी घर जाते थे बड़ा खुश रहते थे। A few moments later. तो हम सभी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब निकल पड़े हैं मायके के लिए और क्रियांश अपने नानी घर के लिए। कितना एक्साइटेड है, ये देखिए गाल में रखी इसका, कितना एक्साइटेड है क्रियांश, कितनी कितनी ये अपने मन में पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है। क्या बोलो, कितना एक्साइटेड है बेटा। और गणपति देव ड्राइव कर रहे हैं और पीछे बैठा हुआ है किसी को। तो चलते हैं देखते हैं वहां पे। इस बार फर्स्ट बार पहली बार जब हम वट सावित्री किए थे ना तो वहीं पे किए थे और इसके बाद इस बार हमारा मतलब पांचवा है तो वो भी वही करेंगे। पापा ये अपने पापा को प्यार से पापू बोलता है। अब तो हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं यहाँ पे। पतिदेव और क्रियांश जो है मेरा सो गया लल्ला बिल्कुल जी। और क्रियांश को हम लोग सोच रहे थे कि क्रियांश को अभी नहीं सुलाना है, वहाँ जा करके सोए, लेकिन ये जो है पहले सो गया है और हमको ऐसा लग रहा है कि गाड़ी से निकलते ही उठ जाएगा और जब ये उठ जाएगा तो इसका नींद रहेगा कच्चा और जब कच्चा नींद रहेगा तो वहाँ मचाएगा तबाही और ऐसा तबाही मचाता है वो जो झेलने की कैपेसिटी बहुत कम लोगों में होती है बिल्कुल। और सारे लोग फिर परेशान हो जाते हैं और उस बीच में ऐसा होता है कि किसी के पास जाता भी नहीं है, जाएगा पापा और मम्मी के पास ही, तो पापा अपना जूता भी नहीं उतार पाते हैं ना कपड़ा चेंज कर पाते हैं, पहले रहता है कि बेटे को शांत किया जाए। तो जो कि हर पापा का फर्ज है भाई, फर्ज है लेकिन बताए परेशान कुछ ज्यादा हो जाता है। हाँ, वो परेशान हो जाता है तो सोता अगर वहीं जा करके तो बहुत ही अच्छा रहता। अब क्या करें, एसी बंद कर दीजिए ताकि वहाँ जाते हैं ना इसको वहाँ पे कुछ अलग नहीं लगे, अलग ही नहीं लगे। चलो एसी बंद कर दिए हम, बाकी यहाँ का नजारा देख सकते हैं बहुत सुंदर है। हाई कर रहा था, हाई कर रहा है तो देख सकते हैं दोनों आसपास जो है एकदम खेत, सनबरसा 5 किलोमीटर यहाँ से है दिख रहा है। तो हमको सनबरसा नहीं जाना है, पहले जाना है। One hour later. तो हम पहुंच गए जी अपने ससुराल, पहुंच गए जी जिया के मायके और पहुंच गए जी क्रियांश के नानी घर। तो यहाँ पर आते ही जी हमारा पेट पूजा हो गया और जैसा कि यहाँ पर आते हैं तो एकदम जैसे मेहमान जी का स्वागत सत्कार होता है, एकदम स्वागत सत्कार सब हुआ। एकदम 56 प्रकार के जो आइटम थे थाली में, सभी थोड़ा थोड़ा खाते ही जो है बहुत ज़्यादा हो गया और एकदम पेट भर गया, लेकिन अन्न की बर्बादी नहीं करनी थी तो इसलिए जो है किसी तरह करके सारा निपटा लिया। और जिया यहाँ पर जो है वट सावित्री के लिए अपने पैरों में अलता लगवा रही है, कितना अच्छे से लगाई है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, उसके बाद बाकी पकवान सब भी बनना है ना, पकवान बनेगा, पकवान कितना प्यारी है। क्या नाम है बाबू? इसको शर्म आ रहा है, बहुत शर्म आ रहा है इसको। अच्छा कोई बात नहीं, जब हम लोग मतलब थे ना तो बहुत छोटी छोटी थी। अच्छा अभी बड़ी हो गई, अचानक से बड़ी हो गई, हाइट थोड़ा बहुत दिनों बाद देखी है क्या? अच्छा इसलिए तुमको अचानक से बड़ी लग रही है। डांस वैसे बहुत अच्छा करती है ये। हाँ, अरे बाबू दिखाना है एक डांस। आपको आपके सामने इसको लाज आ रहा है। अच्छा तो वट सावित्री व्रत की तैयारी जी जोरों शोरों पर है। जिया को आपने देखा होगा कुछ देर पहले बैठी हुई थी, अलता लगवा रही थी पैरों में और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है पकवान सब तल रहा है और भी अलग अलग तरह के पकवान सब तलेंगे। तो सबसे पहले जो है ठेकुआ,
जो कि छठ से लेकर के और भी जो भी पर्व सब होता हमारे बिहार में, ठेकुआ जो होता है ना बहुत बड़ा माना जाता है, किसी भी जैसे प्रसाद में चढ़ता है, बहुत प्रसिद्ध है और गर्मी इतनी ज्यादा है कि मम्मी स्टैंड फैन लगा के तब ठेकुआ तल रही थी। और क्रियांश का है क्या, ठंडा के साथ उसमें खतरा भी हो जाता है, तो क्रियांश देख रहे हैं वो चला दिया और अभी ये नीचे रहता तो उसमें जाके उंगली कर लेता है। तो अभी शाम का समय हो गया और मैं लगा रही हूँ हाथों में मेहंदी। गांव का यही मजा है, आप कहीं भी जाइए हर घर में आपको कुछ ना कुछ टैलेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पार्लर वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, घर में एकदम छत पे बैठ के मेहंदी लगा रहे हैं। और मेहंदी लगा रही है मेरी फ्रेंड, जो कि यहाँ पे ये भी होता है कि ना कि अगर आपको आता है तो सबके घर जा जा के लगाना पड़ेगा, तो अच्छी बात है टैलेंट है तभी तो लोग इन्हें पूछते हैं। और ये देखिए अभी मेरा आधा ही लगा हुआ है, जब दोनों हाथ में लग जाएगा फिर मैं दिखाऊंगी आपको। नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग आप सभी को, अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और आज है वट सावित्री, तो वट सावित्री की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमने कल मेहंदी लगा लिया था और उसका कलर देख सकते हैं इस बार उतना डार्क नहीं आया जितना हर बार आता था। और आप लोग कहते भी थे कि आप भैया लगता है बहुत प्यार करते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन इस बार लगता है थोड़ा कम हो गया, लेकिन क्या कर सकते हैं बच्चे भी तो आ गए, शेयर हो गया। क्योंकि जैसे मैं कल मेहंदी लगा के आई, क्रियांश चिल्ला रहा था तो हमने तुरंत ही मेहंदी धो लिया, क्योंकि पहले हमारे लिए बच्चा इंपॉर्टेंट है फिर ही कुछ। तो अभी थोड़ी देर में जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए, हम यहाँ जब भी आते हैं तो गंगा स्नान करने के लिए ज़रूर जाते हैं चाहे कुछ भी हो। और इधर एक ठो ब्रश करते हुए भाग रही है। तो गंगा स्नान करने मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसके बगल में बगीचा है, लीची बगान, शायद उधर की लीची टूट गई है शायद, पता नहीं, कन्फर्म नहीं है। तो दूसरे बगीचा में लीची है अभी तक, तो होगा तो वो शाम में आपको दिखाएंगे। बाकी गंगा जी के पास वाली जो बगीचा है ना उसमें लीची होगा तो दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलते हैं, पतिदेव पीछे सो के उठ चुके, हम तो कब का उठ गए थे, अभी नेल पेंट वगैरह भी हमने लगा लिया। इनको मैंने बताया कि भाई आपको लगता है थोड़ा कम प्यार व्यार करते हैं इसलिए कम मेहंदी रची है मेरी, है ना? बिल्कुल जी। तो जब से बच्चा आया है तो शेयर हो गया, कहा कि शेयर हो गया है तो वही हो गया, शेयर हो गया है, कलर में भी शेयर हो गया। मेरा बेटा नहीं लगाता मेहंदी इसलिए कैसे शेयर हो जाएगा, कहीं और चला गया होगा कलर। अच्छा, और चीज का रंग डीप हुआ होगा। अच्छा अच्छा हाँ। तो अभी हम सब जा रहे हैं गंगा, क्या है जिया, गंगा स्नान करने के लिए। और पीछे आ रही है हमारी गाड़ी, बुलाओ गाड़ी को, यही रुकिए रुकिए रुकिए, और रुको लुको 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 लुको, देखो देखो देखो, नहीं जा ले, क्रियांश को छोड़ दो, क्रियांश यहीं रहेगा। नहीं 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 नहीं, ठीक है क्रियांश तुम यहीं रह जाओ, बाय क्रियांश, बाय क्रियांश, जान रहा है आप गाड़ी में बैठी है, क्या दिक्कत है।